ऑनलाइन के माध्यम से हमें जो जानकारी मिली है, कोई भी संसद चार्टर का गाड़ी या मोटरसाइकिल या व्हाट्सएप बुक मार्ग में आप खड़े किए हैं या पार्टी किए हैं तो कृपया करके आप किसी समय हटा दीजिएगा, क्योंकि प्रशासन आएगी थोड़ी देर बाद में और उसी से लाठी चार्ज होगी, तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी बनती है, सब आप उससे जुम्मेवार होंगे। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप अपने गाड़ियों को मेन रोड से हटाकर किसी सुरक्षित जगह पर आप पार्किंग करेंगे, मेन रोड पर बिल्कुल से ना कोई चार चक्का वाहन ना कोई दो चक्का दो पहिया मोटरसाइकिल अब रोड के ऊपर पार्किंग नहीं करेंगे, आप हटा रहे वहां से। बार बार ये सब कहना स्वभाव की बात नहीं होती है, क्योंकि एक सुपर डुपर हिट मुकाबला जो है होया कि लाल रंग की जर्सी पर जो टीम मैच खेलते हुए आपको नजर आ रही है ये टीम है बेनाम बादशाह और इनके मुकाबले लाल सफेद कलर कॉम्बिनेशन जो टीम है ये है जीएस ब्रदर्स लेदराजी सेकेंड राउंड रिया जो सेकेंड मैच लगे थे गुना विक्रेंद्र ने को भुलवा कला को मंजिल ने बड़ी गुटी बारे फर्स्ट हाफ लगे थे जीएस प्रारंभ लोधारी टीम पारे खिलाड़ी को और टीम रेंद्र खिलाड़ी को लगे थे जो संचालन कर रहे हैं फिर नंबर आगे नाम लो दीपू हैरो लेकिन ऐसे ओपन टीम पारे खिलाड़ी को तो फिर कोई तो फास्ट गोल बाबे यहाँ को बिना पाकर नहीं रही हुआ मैं तो खतरनाक खतरनाक टीम रेंद्र खिलाड़ी को बिना कोई लगे बेटा लगे अब मेडिकल बोलता है मैं को तीर के जवाब इनका है अगला जो परिधान में ना अगला जो जाती में ना इन फाहिम बेटा लगे अब मेडिकल सुनता है इन टीम में खिलाड़ी को बहुत तरह को विकास प्रादर इन्हें दे संदीप प्रादर होगा रो इस टीम की सुबह पे लोधारी की रेल खिलाड़ी राइट विंगर जैसे नंबर 11 लगे थे इन्हें तारे बड़ा लगे मैं तो इन तारे टाकिन सोच इन तारे लगे थे लगते सोच ऐसे कोई चला ना हो कोई कीपर बिना पास टाकिन का जीरो जीरो बैक पास लगे मैं के अंदर सोच ऐसे वो लोग टाकिन का बड़ा कोई तरह की इन्हें ते अकुल रहे की कुनुमत की इन तारे टाकिन टीम ने खिलाड़ी को बना हुआ मिंदो ने बार पार्टी बना बना को लोधरा टीम रे खिलाड़ी को दर्शन नंबर 12 सूट के लिए तैयार मुकेश इन्हें देख पा रहे दर्शन नंबर 13 राइट विंगर लगे हेडर के सहारे अब मुख्य डिफेंडर बिना मार पापा टीम रे खिलाड़ी अपने सुनी का एमके में और उसी से दर्शन नंबर 9 सेंटर लाइन में अगल बगल रे ऐसे पुल कुरुमुटो इस जबरदस्त दुम घुमावतरा किने जाते थे फाइनल कुटुबुरिया तो आए ने फाइनल ग्रैंड फिनाले में जाते थे के अब टीम आलिया जो समय में ना आलिया जो किसी के ग्रुप में ना इन लेकर के फाइनल टीम में आलिया दर्शकों का इलाके को कर दे सलामत करा एसुपुर गोजी रेमोगा नबिनाम पांता टीम में खिलाड़ी सिंबल लाइन अगल बदल दे गोल जैसे नंबर 12 और जैसा लेकिन एक बार टीम के खिलाड़ी को जो कि बेटा लगे खुदू के लिए सातवां मैच लगे खुदू इन्हें दे विकास प्रावर संदीप प्रावर बुकारो इसकी सीखी ध्यान दीजिएगा एक बोलो गाड़ी चार चक्का वाहन गाड़ी नंबर 5 के बोलेरो गाड़ी है 6858 ओडिशा की गाड़ी ओडी 02M6858 ये गाड़ी द्वारा आप हमारी आवाज सुन रहे हैं आप अपना बोलेरो को उस जगह से हटाते हुए दूसरे किसी सुरक्षित स्थान पर और ऐसा भी जानकारी आ रही है हमारे जो वहां पर
साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड, गाड़ी पार्किंग स्टैंड खोले हुए हैं और जो एक्शन लेंगे आपके खिलाफ में। इसीलिए बोलेरो वाले भाई साहब, शिकायत आ चुकी है आपका कमेंट बॉक्स पर, आप अपने गाड़ी में वहां से हटा देंगे, अभिलंब हटा देंगे। फिलहाल आयन सर की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट है, भले की शब्द बना लेंगे जल्द दबाओ आराम 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 से। और साथ ही साथ जेके स्पॉट एनवाईएस सुभोया में एक शानदार जो स्पॉन्सर है, दुकान के मालिक है, ऑनर है, एक स्पॉट से जुड़ी हुई तमाम सामग्रियों का जो दुकान है मंच के पीछे की तरफ लगाए हुए हैं, यानी कि आपको तो आप हमारे मंच के पीछे की तरफ चले जाएंगे, वहां आपको मिलेगा उचित मूल्य पर जो आप चाहता या जमशेदपुर में जो मूल्य देते हैं उसी मूल्य के अंतराल में आपको वो तमाम चीजें, स्पोर्ट से जुड़ी हुई तमाम सामग्री आपको जेके स्पोर्ट के यहाँ पर अवेलेबल कराए हैं, तो आप चले जाएंगे जेके स्पोर्ट एनवाईएस भोया। तो चलिए एक समारोह को विराम देते हुए मैदान के ओर मेज के ऊपर एक नजर डालें, तो यहां दोनों की टीम काफी स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ टक्कर देते हुए तब मुकाबला खेलते हुए, हालांकि अभी तक किसी प्रकार की रुझान नहीं, दोनों ही टीम लेवल पर बने हैं। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब से हम यहां मुखातिब हुए आपके साथ आज मैदानी गोल हमें कम ही देखने को मिले, कोई भी टीम अभी तक जीत के नतीजे तक जरूर पहुंची है, बसरते जो टीम है वो अपना ट्राई को ब्रेक करते हुए ट्राई ब्रेकर के सहारे जो है टीम को सेकंड राउंड में क्वालिफाई कराई है। आप लीजिए बहुत तारीख समय पर बिल्कुल हमारे मेडिकल जोन के समीप, रेफरी पैनल के समीप फुल टीम के साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज करा देंगे और इस प्रतियोगिता के नियमावली के अनुसार जो भी टीम सबसे पहले मंच रेफरी के समीप आएंगे, टेक्निकल जोन के समीप आएंगे, मेडिकल जोन के समीप आएंगे, उस टीम का सब कुछ रहेगा, मैच स्टार्ट करने का मौका। पेनल्टी या ट्राई ब्रेकर में सबसे पहले शॉट डालने का मौका, ये तमाम चीजें उस टीम को डिपुट करेगी कमेटी। तो निर्धारित समय पर ही आप अपने टीमों को हमारे फोर्थ ऑफिशियल जोन के समीप उपस्थिति के तौर पर दर्ज कराएंगे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, अक्सर कहा जाता है समझदार इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है। और इस समय सुरसी हाइब्रू का आगमन हुआ है जर्सी नंबर 17 एज ए टीम बेलाम महोत्सव। इस समय गोपी सोई के लिए गेंद जर्सी नंबर 5 के द्वारा, और यहां पर गेंद को स्किल के आधार पर धूल कराता हुआ ब्रेन सरदार को डाले यहां पर गोपी सोई, और गोपी सोई का शॉट कैसे चूक सके भाई लोग, बार बार एक ही शिकायत आ रही है, वरना आपका जो पहिया है उस पहिये में से हवा निकाल लिया जाएगा। वार्निंग है आपके लिए, लास्ट वार्निंग है आपके लिए, आपका जो चक्का पहिया है उस पहिये में से हवा निकाल लिया जाएगा, फिर जो दिक्कतें होगी वो आपकी होगी। बढ़िया प्रयास अभी तक जीएस वर्सेस लेदारी, और पश्चिम क्षेत्र का जो गोलपोस्ट हो गई गोलकीपर के लिए एक बड़ी चुनौती, वहां थोड़ा सा पिच जो है काफी तेज काफी गीला, और एक बात का इल्म मैं करा दूं सभी टीमों को, अभी तक ना ही लेदारी की टीम ने, और आपको पता होना चाहिए कि
पुरस्कारों की बौछार यहाँ पर अनोमल प्रत्येक वर्ष करी जाती है। और जिस प्रकार कहा जाता है, हर सुबह एक नई सुबह और हर मेज एक नया मेज। नया मेज इस वजह से कहा जाता है, हर मेज पर आपको एक हर एक नया प्रतिद्वंदी मिलता है। और हमें अभी अभी खबर मिली है 15 साली ओपी के प्रभारी होने से कि कुछ ही क्षणों के पश्चात जो है टाइम एरिया के लिए खरसवां टू चयासा मुख्य मार्ग को आपने जाम किए हैं तो हटा दीजिएगा कृपया, वरना बड़ा बाबू आ रहे हैं 15 साली ओपी से, तो आपका गाड़ी नंबर नोट कर लेंगे, फिर आप दंड के पात्र बन जाएंगे। तो आप एक अच्छी नागरिकता होने का परिचय देते हुए विधि व्यवस्था को सही मायने में सही रूप में बनाए रखने हेतु आप हमें सपोर्ट करेंगे, इसी के लिए आप जाने जाते हैं। और यहाँ पर लंबी की के जरिए अलग के ठिकाने पर ये रुझान आ रही होगी, पर ये को पंचायत करने में सफल हुए और वो भी इस समय डेवली पावर पर जान देते हुए मुकेश के लिए खेला, मुकेश ने विनीत के लिए और विनीत ने इस समय दस नंबर पर टीम चिंकी जड़े है तो ना कर रहे हैं। फिलहाल मरिया पास ग्रेन के लिए एक बार फिर से नौजवान खिलाड़ी दस नंबर 11 अनुभव के लिए बड़ी उपलब्धि हासिल करी थी जरूर। फर्स्ट राउंड में बेला मासा की टीम अशोका इंटरनेशनल खरसावा की टीम को इस टूर्नामेंट से दरकिनार किया था, तो उस जीत के साथ यहां जो है बेला मासा के तमाम खिलाड़ियों का बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ इनकी जो आत्मविश्वास में काफी प्लस पॉइंट देखा जा सकता है, क्योंकि स्वाति मैच में जब ये उतरे थे तो थोड़े से बिखर से गए थे, लेकिन जैसे ही टीम ने उस प्रथम चक्र का मैच को जीता, अब सेकेंड राउंड में पूरी तरह से यहां पर एग्रेसिव नजर आते हुए सभी खिलाड़ी और एक दूसरे के साथ अच्छी अभी आने वाले होता है। बॉक्स में एक साथ बैठे जरूर है पहली दफा, लेकिन मैं आपको बता दूं जितनी तादाद में यहाँ पुरुष स्पेक्टेटर्स आते हैं, दर्शक आते हैं, उससे भी जाएगा कि ये जो एक्स्ट्रा एक पंडाल बनाया गया है दर्शक दीर्घा में, ये ओनली 40+ खेलने वाले खिलाड़ियों के यहाँ पे फ्री किक मिलता हुआ मुकेश ये तो जरूरी यहाँ पे उछाला और आक्रमण खेल का विवरण को दोहरा रहे हैं, पर नाकामी हालत जो है।